Well, uh, this is uh, the new chapter, or uh, isme ye iska title that is uh, the reproduction. Or uh, isme hum reproduction padenge, types padenge, or uh, isme reproductive systems uh, as a type of human, or till birth. So, वो tamam process, processes, tamam events we will study which are related with this, uh, the process of reproduction so first all, we what reproduction is. reproduction, it can be defined as uh, the process, as the, as the, as the life process. which new individuals are formed by the, like their parents, like their parents. so reproduction is the basic characteristic of uh, living things. so tamam living things reproduce so, they give rise to the individuals like their parents. और दे आर दिस दिस करैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज तो स्पीशीज के अंदर इंडिविजुअल्स दे आर डाइंग एंड जब तक वो रिप्लेस नहीं होंगे विद न्यू वन तो वो स्पीशीज अल्टीमेटली इट विल कम टू एन एंड सो दे आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एक को हम कहते हैं ए दूसरा है जो है ए सेक्सल रिप्रोडक्शन एक ऐसी ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर दिस नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इसमें सिंपल एक ऑर्गेनिज्म जो कि बेस्ट एग्जांपल जो है कोई फॉर एग्जांपल तो इट डिवाइड्स माइटोटिकली इन एनिमल्स के अंदर मायोसिस नहीं होती जो किस करतेम रिप्रोड्यूस करते द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय माइटोटिक माइटोटिकोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू देअ पेरेंट्स और Is mein, it does not involve uh, the fusion of uh, gametes. So organisms that reproduce asexually, they are usually found in stable environment. So in a stable environment, mein hi wo, just, just may the best suited. Hai. They can well, uh, that is, live comfortably. So QK yevo animals, and they cannot, uh, uh, they cannot maintain themselves uh, that is. Uh, थर्मो रेगुलेट ने थर्मो टेम्परेचर वाइज वो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकते ये वही है क्योंकि जैसा भी टेम्परेचर होगा पानी का वही टेम्परेचर उन एनिमल्स का होगा लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दे विल बी लिविंग इन वेरी ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में वेयर इज वेरी लिटल वेरी लिटल फ्लक्चुएशन और इसकी एग्जाम्पल जो ए सेक्सुअली रिपोर्ड्यूस करते हैं वो एनिमल्स एमीबा है पैरामिशम है और इसके देर आर सो मैनी है दीज आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स और दे आर प्रोड्यूसड इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यही गैमिट्स जो है देर टू फॉर्म Again, a single cell. There are two cells, one coming from the one parent, the other comes from the other parent. They fuse together to form a single cell, which we call the zygote. This zygote that develops to form a unique, that is a new individual, having two kinds of cells. This is somatic cells and germs. And this zygote hai, ये दरअसल जैसे हाफ ऑफ द क्रोमोसोम दे कम फ्रॉम द वन पेरेंट द अदर हाफ दैट कम्स फ्रॉम दी अदर पेरेंट तो इस तरह ये डिप्लायड सेल बन जाता है और ये जो डिप्लॉयड सेल जब व्हेन इट विल डेवलप्स और इंडिविजुअल बनता है तो ये जो इंडिविजुअल है इसके अंदर फिर दो किस्म के सेल्स डिफ्रेंश हो जाते हैं एक तो सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं जिन्हें हम बॉडी सेल्स कहते हैं और दूसरे जर्म सेल्स कहलाते हैं जैसे फिर दी दैमिट्स आर फॉर्म्ड जैसे इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मायोसिस होती है और इस मायोसिस के रिजल्ट पे एग्स और स्पर्म्स बनते हैं दीज दे यूनाइट टुगेदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है और वो फिर एक डिप्लॉड सेल बन जाता है और ये डिप्लॉयड सेल जो है वो फिर जाइगोट कहलाता है इसके अंदर फिर माइटोसिस होती है और वो फिर, फिर पूरा इंडिविजुअल बन जाता है तो जर्म सेल्स जो के डिप्लॉयड होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं वो उनके अंदर मायोसिस होती है और आ, फिर मायोसिस uh, के रिजल्ट पे फिर गैमिट्स बनते हैं और गैमिट्स जो हैं वो ई कॉल दी द स्पर्म्स एंड स्पर्म स्पर्म टूगेट स्पर्म दू फॉर्मोट दैन डिवाइड बाई माइटॉटिक्स टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सेल्स दैट डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जाइगोट जो है वो फिर डिवाइड करता है रिपीटडली और फिर मुख्तलफ स्टेजस में से होता हुआ इंडिविजुअल जो एक एडल्ट बनता है और उस एडल्ट इंडिविजुअल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर फिर ये जर्म सेल्स हैं जो कि हम जिन्हें हम आ, हम डिटेल में पढ़ेंगे वो गोनिया हैंन दे अंडर गो द प्रोसेस ऑफ हैं अगेन दे टुगेदर टू फॉर्म इंडिविजुअल दिस इज वट इज कॉल्ड एज एक्स रिप्रोडक्शन और ये सेक्स रिप्रोडक्शन जो है लॉन्ग देर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ एनिमल्स के जिसके अंदर ये सेक्स रिपोडक्शन का प्रोसेस होता है और फिर मैं बता रहा हूँ कि दिस इज इनफैक्ट इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर दंटिन्यूएशन Of uh, the species. So, this is reproduction and its uh, types.